चाहिए। हम शरीर नहीं है, आत्मा है। अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि, मैं परमात्मा का अंश आत्मा हूँ। अब आए सुंदर सी भगवान के अवतारों के वर्णन की कथा है। भगवान ने जन्म लिया है, अवतार लिया है, कितने अवतार हुए हैं। सृष्टि के निर्माण से पूर्व या सृष्टि के निर्माण के बाद हर वस्तु का मोरल मेडिसिन से बोले आप, साइंटिफिक रीजन से बोले आप, या आध्यात्मिक दृष्टि से हर तरीके से आपको प्रमाणित करके बताएंगे कि भगवान ने अवतार कितने लिए और क्या लाभ है। शुरुआत होती है, कल एक बच्चे ने बड़े प्यार से पूछा मेरे से कि गुरुदेव मृत्यु, अजन्मा, मोक्ष, योग क्या है। मृत्यु दो प्रकार से होती है, एक होती है कुमृत्यु और दूसरी होती है सुमृत्यु। व्यक्ति की जब मौत आती है, व्यक्ति जब मृत्यु के समय आता है, अंतिम गति आती है, तो 48 घंटे पहले उसे आभास हो जाता है कि अब मेरी लीला खत्म हो गई है, होने वाली है, लेकिन वो आसक्ति की डोर में बंधा रहता है और अपने को नहीं बताता। वो कहता है कि जो कष्ट सहना था मैंने सह लिया, अब इनको क्यों दिया जाए। ठीक है, और प्रमाण है कि अगर व्यक्ति मृत्यु से 48 मिनट पहले भी अपने आप को इच्छा रहित हो करके प्रभु के चरणों में समर्पित कर देता है तो वो अजन्मा हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। और अगर उस समय उसकी इच्छा ये रही कि भैया जिंदगी तो गरीबी में गुजार दी, काश हम भी अमीर होते, इस बार तो मैंने कुछ पाया नहीं, काश अगली जन्म में पाया होता। अगर उसकी मन की वो इच्छा है तो उसके लिए उसे पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। और जब तक उस जीवात्मा के जन्म का योग नहीं आएगा तब तक वो जीवात्मा भटकती रहेगी, अस्तु से प्रेत योनि कहा जाता है। श्रीमद् भागवत कथा में आपने सुना इस दृष्टांत को, धुंधकारी ने अपनी माँ को मार दिया था, वैश्याओं ने उसे मार दिया, और गोकर्ण के आने पर रुदन करने लगा, त्राहिमाम शरणागति, त्राहिमाम शरणागति। गोकर्ण ने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान किया। अब प्रेत बैठेगा कहां, इसके लिए बांस रखा गया। पहले दिन एक गांठ फूट गई, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन, इस तरीके से सातवें दिन सात गांठ पड़ी। और सुंदर योग आया, हरि भजन का श्रवण करके, श्रीमद् भागवत का श्रवण करके धुंधकारी अजन्मा हो गया, अमरत्व को पा गया और बैकुंठ का भागी बन गया, बैकुंठ गमन किया। वो रिलीजियस पीरियड है। अब सुमृत्यु, सुमृत्यु उसको कहा गया है जिसको हंसते हंसते किसी की सेवा ना लेनी पड़े और अंतिम पल में तीर्थ में, काशी में, प्रयाग में है? जा करके ये देही को छोड़ दे और अंतिम शरण में प्रभु को अपने हृदय में अंकित करके रहे,
वो मोक्ष हो जाता है, अजन्मा हो जाता है। अब मोक्ष के सूत्राधार कौन है? अगर किसी वृत्ति की मृत्यु होती है तो सनातन की एक प्रक्रिया है, आप कहते हैं इनके मुंह में गंगा जल डाल दो, तुलसी डाल दो, और ये दोनों वस्तुएं भगवान को प्रिय हैं और वो मोक्ष हो जाते। ये सुमृत्यु। अब कई बार आप कभी जाएंगे, बहुत बड़े बड़े लोग आ करके काशी में पड़े रहते हैं कि भई ये मेरी लीला यहीं समाप्त हो जाएगी, लेकिन अगर वहां मृत्यु सुनिश्चित नहीं है, निर्धारित नहीं है, तो अंत के समय बेटे की शादी में आते और रास्ते में गड़बड़ हो जाता। अच्छा एक प्रश्न कर रहा हूं, बताएं, आपने ये देखा कि किसी शादी में साउंड जोर से बजा, हार्ट अटैक आ गया, सुना? ब्याह में आ गया। क्या आपने कभी ऐसा सुना कि भागवत कथा या राम कथा करते हुए किसी को बीमारी लग गई, सुना क्या? चोरी हो जाती है, नंगे पैर आते नंगे पैर जाते नहीं, आलोचना हो जाती है, विचलन हो जाता है, लेकिन ऐसा हुआ? क्योंकि स्वयं भगवान श्री हरि ने यमराज से भी कहा, ओ यमराज, जहां मेरी कथा होगी, जहां पर मेरी भागवत कथा का श्रोता श्रवण करना है, उस क्षेत्र में तेरा भी प्रवेश वर्जित है, यानी भागवत श्रवण करने वाले की तभी अकाल मृत्यु है। श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करने वाले की कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती है। आप इतना जरूर देखेंगे कि जिनके पैरों में दर्द है, हाथ उठते नहीं है, वो भी आनंद में नृत्य करने लगते हैं, यानी उनके हृदय की बैठी हुई भक्ति जग जाती है, ये भागवत का प्रताप है, सारी पीड़ाओं को भूल जाते हैं। ये श्रीमद् भागवत कथा का प्रताप है। बताया था आपको कि ब्रह्मा जी को संशय हुआ और ब्रह्मा जी ने एक तरफ सारे तराजू पे सारी संपत्तियां 14 रत्न रख दिया और एक तरफ श्रीमद् भागवत रखा, तो भी भागवत का पलड़ा भारी रहा। तो अंत में क्या भाव रहना चाहिए? आखिरी टाइम में पुनः कथा की ओर। इतना तो करना स्वामी,
भाव निर्मल होने चाहिए। आज से अब साइंटिफिक पहले बात कर लेते हैं, बात संवाद फिर हम अध्यात्म में आएंगे, क्योंकि अब जमाना बदल गया है साहब, है ना। पहले कहते थे तुलसी को चबा के मत खाओ, बच्चे कहते थे क्यों, हमारे महापुरुष हमारे बुजुर्ग कहते ये हमारी माँ है, लेकिन अब बच्चे कहते हैं नहीं हम नहीं स्वीकार करेंगे, मोरर मिर्ची ने नया जमाना है। तो मेरे बच्चों तुलसी के अंदर स्टेराइड ज्यादा होती है, अगर चबा के खाएंगे तो दांत टूट जाएंगे, खराब हो जाएंगे। हम चैनल पे प्रोग्राम्स करते हैं, हमसे लोगों ने आके प्रश्न किया, बड़ा सुंदर प्रश्न किया कि स्वामी जी आप दवा देते हैं इसमें स्टेराइड है, अब मैं कैसे मना करूंगा, जब है तो देते ही हैं साहब, हम देते हैं स्टेराइड नेचुरल, हल्दी में स्टेराइड है, लहसुन में स्टेराइड है, अजवाइन में स्टेराइड है, हम पंचछार का प्रयोग करते हैं उसमें पोटेशियम है, हम चिरायता का प्रयोग करते हैं, मूलतः चिरायता लोग ज्वर में करते हैं प्रयोग, लेकिन चिरायता में फाइबर है, कैल्शियम है, ब्लड प्यूरिफायरी कंपेबिलिटी है और चिरायता डाइजेस्टिव भी है। आज से साइंटिफिक के तरीके से जाएंगे तो आज से 30,000 वर्ष पूर्व सूर्य का एक टुकड़ा पृथ्वी पे गिरा, हलाहल हुआ, संपूर्ण सृष्टि में जल ही जल नजर आया, वहां से चार प्रकार के जीव उत्पन्न हुए। हमारे गुरुकुल परंपरा में पढ़ाया जाता है और इस चैप्टर को हम कहते हैं जीव जीवाश्म जायन्ते, अंडज पिंडज श्वेतज, अनेक प्रकार से जाते हुए प्राणियों को साधारण तरीके से समझाया, तो जलचर थलचर नभचर और उभयचर। जो प्राणी जल में रहते हैं हम उन्हें जलचर कहते हैं, जो पृथ्वी पे रहते हैं हम उन्हें थलचर कहते हैं, जो पानी में और पृथ्वी पे दोनों पे रहता है जैसे मेढक वो उभयचर में आया, क्योंकि उसकी जुबान आगे